दोस्तों, MJPRU की तरफ से प्राइवेट कोर्सों के रिजल्ट को लेकर गुड न्यूज़ सामने आ रही है। कई प्राइवेट कोर्सों के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी की तरफ से कई प्राइवेट कोर्सों के रिजल्ट आ गए हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर के रिजल्ट हैं, सेकंड ईयर के हैं और थर्ड ईयर के रिजल्ट भी हैं। तो अगर आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बाकी जिन कोर्सों के रिजल्ट रह गए हैं वो कब तक आएंगे, चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से वो भी बताते हैं और रिजल्ट चेक करके भी दिखाते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लें। इसके बाद में MJPRU रिजल्ट इतना सर्च कर लें, पहली वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में मेन वेबसाइट आपके सामने ऊपर हो जाएगी। अब आपको रिजल्ट टाइप में जाकर मेन रिजल्ट डालना है। एकेडमिक सेशन में 2023-24 ये वाला ऑप्शन लेना है और डिग्री टाइप में आपको एनुअल वाला ऑप्शन लेना है, क्योंकि साल में आपके एक बार एग्ज़ाम होती है, ये लेना है। सिलेक्ट कोर्स में जाकर अब रिजल्ट आए हैं UG कोर्स वालों के, अंडर ग्रेजुएट कोर्स वालों के, ठीक है। तो आपको लेना है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में व्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे 15/7/2024 कल रात को ये रिजल्ट साइट पर अपलोड हुए हैं। BCom ईयरली फर्स्ट ईयर, BCom प्राइवेट फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा BCom प्राइवेट सेकंड ईयर का रिजल्ट भी आ गया है और इसके अलावा BCom प्राइवेट थर्ड ईयर का रिजल्ट भी आ चुका है। सबके रिजल्ट एक बार में आ गए हैं BCom वालों के। सभी छात्र अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। BA के छात्र ध्यान दें, आपका रिजल्ट भी जल्द ही आने वाला है, ठीक है। हाँ, जैसे कि आज है 16 जुलाई, BA का रिजल्ट हो सकता है कि 4 से 5 दिन के अंदर आ जाए। लगातार इस चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब तुरंत कर लें, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको भी इसी प्रकार से जानकारी मिल जाएगी। BCom का रिजल्ट आ चुका है। मान लीजिए आपका रिजल्ट थर्ड ईयर का है तो थर्ड ईयर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में रोल नंबर आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। रोल नंबर आपके पास होगा ही, रिजल्ट पर होगा पिछले साल की या फिर एग्जाम फॉर्म वगैरह पर होगा, नहीं तो निकाल सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर रोल नंबर डाल दें, इसके बाद में इन नंबरों को जोड़कर आपको यहाँ डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर 10+11, 11+1 12, तो यहाँ पर 12 डाल देंगे। आपके सामने जो भी है वो डाल देना है। इसके बाद में गेट रिजल्ट पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग अपना रोल नंबर और इन नंबरों को जोड़कर यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में गेट रिजल्ट वाले बटन जब आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट होगा आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको ओपन कैसे करना है, तो ओपन करने के लिए आप बीच वाले बटन से अपने फ़ोन को कट कर दें। इसके बाद में आपके फ़ोन पर फ़ोन में फाइल्स या गैलरी नाम की कोई ऐप होगा, उसको ओपन कर लें, फाइल को ओपन कर लें। अब इसके बाद में आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन, इसमें जाइए। डॉक्यूमेंट में सबसे लेटेस्ट ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका रिजल्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। आप लोग अपने रिजल्ट को इस प्रकार से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो। और बात करें PG कोर्सों के रिजल्ट की, तो PG फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिजल्ट आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, PG यानी MCom फर्स्ट ईयर और MCom सेकंड ईयर प्राइवेट के रिजल्ट आ चुके हैं। अगर आपने अपना रिजल्ट नहीं चेक किया है तो तुरंत अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट अब रह गया है PG कोर्सों में MA का, MA के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट रह गया है, ये भी आपको जल्द ही देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो MA और BA का रिजल्ट स्पेशली रह गया है, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तुरंत जानकारी मिलेगी। तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड BCom MCom में पढ़ते हैं, ठीक है, सबको बोल दें रिजल्ट आ चुका है, निकाल सकते हैं अपना रिजल्ट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आपको भी इसी प्रकार जानकारी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।